सर ये बोलो सर क्या ये जो स्पर्धा हो गई है राज्य स्तरीय स्टेट लेवल की स्पर्धा, ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है और इसमें क्या सुधारना चाहिए आपको? वैसे तो ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा है। मैं इधर 2019 से खेल रहा हूँ तो इधर की कमिटी लोग सब बहुत हेल्पफुल है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए। ये थे आपने साथ वसीम शेख पुणे। ये 2022 का इन्होंने फर्स्ट प्राइज लिया है। और आपने साथ है सुयोग लोखंडे सर, इन्होंने दूसरा प्राइज लिया है। सर आपका क्या ख्याल है इस स्पर्धा के बारे में? एक्चुअली बहुत अलग एक्सपीरियंस था और ऐसा एक्सपीरियंस एक्चुअली हर एक स्पोर्ट्समैन को चाहिए। मतलब तो इधर के जो कोचिज है नहीं तो जो वर्कर्स है वो बहुत ही मतलब सपोर्टिव है। वो हर एक मैच के लिए हम लोग को सपोर्ट कर रहे थे और फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ हैं। और ये मुझे लगता है कि हर एक स्पोर्ट्समैन ने ये बैडमिंटन प्लेयर ने ये टूर्नामेंट खेलना चाहिए। एक अलग एक्सपीरियंस अब मतलब उनको फील करने को मिलेगा, एक अलग एक्सपीरियंस। हमारे अंबाजोगाई कर के लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत मतलब बहुत सपोर्टिव लोग हैं इधर के। मतलब अगर मुझे कुछ भी ज़रूरत होती है तो पहले मतलब बहुत सपोर्टिव लोग हैं। मतलब अभी और मैं होप्स करता हूँ कि अंबाजोगाई से भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आने वाले हैं फ्यूचर में, तो उसके लिए थैंक यू। अगली बार आप थाने से अंबाजोगाई रेलवे से आना चाहते हैं सर? यस सर, श्योर सर। तो अंबाजोगाई को रेलवे होना मांगता है? यस सर, स्टेशन एक ज़रूरी है, इससे और भी प्लेयर्स खेलेंगे और अंबाजोगाई का नाम मतलब पूरे महाराष्ट्र में और इंडिया में भी बढ़ जाएगा उससे। अपने सोबत है तो ऋषिकेश होले सर नाशिक यांनी 2022 चे तिसरा क्रमांक मिळवलेला आहे। अतिशय वेगवान असा खेळ केला होता सर, या स्पर्धेविषयी आपल्याला काय म्हणायचं सर? प्रथमतः धन्यवाद सर्व मॅनेजमेंटचे, त्यांनी एवढी सुंदर स्पर्धा दरवर्षीप्रमाणे आयोजित केली। तसंच इथे सर्व प्रकारे त्यांनी जे मॅनेजमेंट केलं ते खूप उत्तम होतं। खेळाडूंना ते नेहमी पहिला प्रेफरन्स देतात। आता काल जे आमचे शरीर थकल्यामुळे आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केली आमची मॅच उद्यासाठी घ्या, तर त्यांनी तेही सपोर्ट केला। मॅनेजमेंट खूप खेळाडूंना नेहमी पहिलाच प्रतिसाद देतं, नेहमी फर्स्ट प्रेफरन्स खेळाडू असतं। आणि तसंच खेळाव्यतिरिक्त पण आम्हाला ज्या गोष्टी लागतात, एनर्जी ड्रिंक झालं, खाण्यासाठी जे मॅचच्यामध्ये ज्या गोष्टी लागतात, या सर्व त्यांनी एकदम सहजरित्या आम्हाला उपलब्ध करून दिला, त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद। आपले काय आपलं काय स्वप्न आहे सर? प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न असतं त्या खेळातलं ऑलिम्पिक खेळावं। माझंही तेच स्वप्न आहे, ऑलिम्पिकमध्ये भारतासाठी मेडल नक्कीच यावं आणि त्यासाठी प्रयत्न करत राहू आम्ही नक्कीच। सर आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा सर अंबाजोगाई क्रीडा व सांस्कृतिक व्यायाम मंडळाच्या वतीने। धन्यवाद, धन्यवाद, थँक्यू सर।